दिनांक 5 जुलाई दिन शुक्रवार जनपद सोनभद्र महुअरिया रॉबर्ट्सगंज रेंज कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर वन महोत्सव 2024 का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर एक पेड़ मां के नाम पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ महाअभियान का आयोजन कैमूर वाइल्ड लाइफ वार्डन श्री अरविंद कुमार एवं घोरावल विधानसभा विधायक डॉक्टर अनिल मौर्य रॉबर्ट्सगंज रेंज क्षेत्राधिकारी श्रद्धा त्रिपाठी एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकारी की उपस्थिति में पौधरोपण किया गया। कैमूर वाइल्ड लाइफ वार्डन श्री अरविंद कुमार एवं घोरावल विधानसभा विधायक डॉक्टर अनिल मौर्य ने जंगली पेड़ पौधों जानवरों को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा किया। देखे ग्राउंड से ए टू जेड यूपी खास की विशेष रिपोर्ट। सरकार की है और माननीय प्रधानमंत्री की टीम है, उन्हीं के मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार भी जगह जगह पर ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है। अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी भी थी, उसमें मैं भी प्रतिभाग किया था। बीसी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया था कि जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से आयोजित किया जाए और एक तरह से ये जनमानस में एक संदेश जाए कि वन विभाग पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या क्या काम कर रहा है, ये आम लोगों को बताया जाए। सर, जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात है, हमारा ये कैमूर वाइल्ड लाइफ डिवीजन मुख्य रूप से वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए काम कर रहा है। हमारे पास स्टाफ की भारी कमी है, जो स्वीकृत पद है उसके सापेक्ष करीब 40% की तैनाती है, 60% खाली है। इस सीमित संसाधन के सहारे हम जहां तक हो सकता है हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारे जानवर सुरक्षित रहें। अभी पिछले महीने हलिया में भी एक तेंदुआ एक गांव में एक घर में घुस गया था। जब हम लोगों को सूचना मिली तो संसाधन वास्तव में बहुत सीमित है, लेकिन उसी संसाधन के सहारे और हमारे जो वनकर्मी हैं, हमारे कुछ जो दिलेर साथी हैं, उनके सहारे 36 घंटे के का रेस्क्यू ऑपरेशन चला और हमें कानपुर चिड़ियाघर से भी टीम बुलानी पड़ी, फिर ट्रैंकलाइज करके उसको बेहोश किया गया और फिर उसका रेस्क्यू किया गया और उसके सुरक्षित प्राकृतिक वास में छोड़ दिया गया। तो सर, वास्तव में वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य जीवों का संवर्धन, वन्य जीव और जंगलों का ये रख रखाव एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और बहुत ही इसमें संसाधन की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से जो भी हमें संसाधन मिलते हैं उसके सहारे हम भरसक प्रयास करते हैं कि हमारी जंगल, जमीन और जानवर सुरक्षित रहें। और यहाँ उपस्थित हमारे वन विभाग के अधिकारीगण और सामने बैठे हमारे कर्मचारी अधिकारीगण, अभी रेंजर साहब तमाम बातें बताएं कि हम नेचर के साथ कैसे जुड़े रहें। और जो आज का कार्यक्रम है एक पेड़ माँ के नाम, ये पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में चल रहा है। सभी जगह एक पेड़ लगाने की माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम लोग एक एक पेड़ लगाएं तो 140 करोड़ पेड़ लग जाएगा। अगर हम लोग एक एक पेड़ लगाने का संकल्प लें तो 140 करोड़ पेड़ लगा सकते हैं। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो सोच है कि वृक्ष क्यों लगाएं, वृक्ष तो सब लोग लगाते हैं, हर विभाग लगाता है, हर साल लगते हैं, लेकिन एक माँ के नाम से क्यों लगाएं? जैसे आपने कहा ना कि माँ की छाया जैसे मिलती है इसी तरह पेड़ों की छाया भी मिलेगी। अगर से हमारे पूर्वज माँ बाप ये पेड़ नहीं लगाए होते तो आज हम पेड़ की छाया में नहीं रहते। तो हम आने वाली पीढ़ी, अपनी जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसका सुरक्षा कैसे करें, उनके लिए पानी की व्यवस्था कैसे करें, उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था कैसे करें, ये पेड़ पर आधारित है कि अगर से एक पेड़ नहीं लगेगा तो आने वाले समय में ऑक्सीजन, जैसे आज पानी बोतल में पी रहे हैं ना, ऐसे सब लोग को ऑक्सीजन लेके चलना पड़ेगा कि हर लोग एक एक बोतल ऑक्सीजन लेके चलेगा तो उसको ऑक्सीजन मिलेगा। अगर से हम अभी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी हमारी जिंदा नहीं रहेगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी, हम सब लोग का कर्तव्य है, प्रधानमंत्री जी ने सबसे गुजारिश की है कि हम लोग हर जगह एक एक पेड़ लगाएं और एक पेड़ एक आदमी के लिए कितना पर्याप्त होता है उसका अगर गुणात्मक अध्ययन करेंगे तो एक पेड़ कितना टन ऑक्सीजन हमको देता है कि पूरे जिंदगी हम लोग एक पेड़ के सहारे जी सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में हम सबको ध्यान रखना है कि जैसे आपने कहा
ये जंगल और जमीन और जानवर, ये तीनों का अपना अपना काम है, ये तीनों का हमें बचाना है। जमीन में अगर जंगल में जानवर भी नहीं रहेंगे तो फिर वही जो कह रहे हैं कि हम पेड़ों में, हम अपने जो पीढ़ी आने वाली है, हम अपने किताबों में केवल दिखाएंगे कि इस तरह का शेर होता था, इस तरह का भालू होता था, इस तरह का हाथी होता था, केवल हम किताबों में दिखाएंगे। और जंगल रहेगा तभी जानवर रहेंगे, नहीं तो हम उनका घर तो उजाड़ते जा रहे हैं। और उनको बसने के लिए अगर से हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो इसी तरह से जब शहरों में जाएंगे तो या तो मार दिए जाएंगे, या तो फिर से पकड़ के, या तो आदमखोर हो जाएंगे। तो हम उनके घर को क्यों बर्बाद करें, हम उनके घरों को और बड़ा कर दें कि उनका और अच्छी तरह से पालन पोषण हो। इसलिए हम सब लोग एक पेड़, माँ के नाम, सब लोग अपने अपने पेड़ की सुरक्षा करें। और आज वन विभाग की तरफ से पहल हुई है, हर जगह पहल हो रही है, वन विभाग भी उसमें सहयोगी के रूप में है। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, हम सब लोग मिलकर एक पेड़ लगाने की व्यवस्था में। बहुत बहुत धन्यवाद।